इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। स्कूल के बच्चों को लाने ले जाने में प्रयुक्त तो होने वाली ओमनी वैन जो कि एलपीजी गैस से चलाई जा रही थी, उसे कल आरटीओ द्वारा जांच के दौरान पकड़ा गया था। जब वाहन की जांच की गई तो पाया गया कि वाहन को पेट्रोल की जगह गैस किट से चलाया जा रहा है, जिसके बाद आरटीओ मनोज तहनगुरिया द्वारा पुलिस को प्रतिवेदन दिया गया। प्रतिवेदन के आधार पर जिला कोतवाली ने मामला दर्ज कर वाहन चालक और वाहन मालिक पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। बता दें कि यह प्रदेश का पहला मामला है जब किसी गैस किट से चलने वाली स्कूल वाहन पर मामला दर्ज किया गया है। कल 2 तारीख को सुबह 8:40 करीब जो निर्मला पब्लिक स्कूल है वहां पर वाहन चेकिंग आरटीओ द्वारा लगाई गई थी। वहां उनको एक वाहन मिला है जिसमें वह एलपीजी गैस का उपयोग करते हुए, घरेलू गैस जो होती है उसका उपयोग करते हुए वाहन चलाते हुए सिलेंडर पाया गया। गाड़ी में पेट्रोल गाड़ी थी, उसका पंजीयन पेट्रोल का था और इस तरह से गाड़ी पाई गई। तो आरटीओ की जो शिकायत है उस पर से हमारे थाने में 281-287 भारतीय न्याय संहिता और 3-7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। वाहन को जब्त किया गया है और उसमें रासात की भी कार्रवाई की जाएगी। चड्डी बनियान गैंग ने सौंसर के व्यापारी के घर पर सुबह के वक्त डकैती को अंजाम दिया। घर में रखे सोने चांदी के जेवरात सहित लाखों रुपए के नकदी सामान पर हाथ साफ कर मौके से फरार हो गए थे। मिली जानकारी के अनुसार 7 से 8 नकाबपोश बदमाशों ने शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात को सौंसर के साउथ सिविल लाइन में निवासरत व्यापारी के घर में घटना को अंजाम दिया था। जैसे ही घटना की जानकारी सौंसर पुलिस को लगी, वह सुबह 5 बजे से घटना स्थल पर पहुंच गई थी। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रात 2:30 के आसपास की बात है, तो कुछ लोग उन्होंने पीछे की सीसीटीवी की तरफ की ग्रिल काट कर अंदर घुसते हैं और उनके साथ अंदर जाकर कमरे की तलाश वलाशी लेकर और जेवरात और कुछ 15-20 हज़ार रुपये नकदी लेकर और चले गए हैं। तो अभी रिपोर्ट की गई जिसपे से पुलिस टीम बनाकर सब जगह तलाश पतासाजी के लिए भेजा गया है और कुछ स्थानों पे कुछ पुलिस को हिंट्स मिले हैं, तो उस पर कार्रवाई कर रही है और अलग अलग टीम सीसीटीवी फुटेज और उनकी तलाश में टीम गई हुई है। निगमायुक्त चंद्र प्रकाश राय ने आज निगम सभा कक्ष में समग्र ईकेवाईसी कार्य की प्रगति के संबंध में समीक्षा बैठक ली। निगम क्षेत्र के सभी वार्ड एवं जोन कार्यालय में समग्र ईकेवाईसी हेतु शिविर लगाए जा रहे हैं। सभी 48 वार्डों के साथ योजना कार्यालय, कुकड़ा जगत जोन, जगन्नाथ जोन, चंदन गांव एवं लोनिया करबल जोन में शिविर आयोजित कर समग्र ईकेवाईसी का कार्य किया जा रहा है। इन शिविरों के माध्यम से होने वाली समग्र ईकेवाईसी की समीक्षा आयुक्त द्वारा वार्ड वार की गई। बैठक में वार्ड सहायक एवं कंप्यूटर ऑपरेटर्स के कार्यों की समीक्षा की गई। आयुक्त ने कम प्रगति वाले वार्ड सहायकों एवं कंप्यूटर ऑपरेटर्स को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MSDNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार बार गर्भपात का इलाज, टीटी का ऑपरेशन और टीटी खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई BP, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो जिससे बच्चे एवं माँ को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुँच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में हाल में हुए विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस से प्रत्याशी रहे धीरन शाह सुखराम दास ने आज अपने पूर्व निर्धारित दौरा कार्यक्रम के अनुसार विधानसभा क्षेत्र की जुंगावानी क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी के अंतर्गत आने वाले ग्रामों का दौरा किया।
अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में जनता की ओर से मिले प्यार, विश्वास व सहयोग के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया है। प्रकृति के संरक्षण के लिए पौधारोपण को समर्पित कदम संस्था पिछले 7 सालों से छिंदवाड़ा में साप्ताहिक पौधारोपण कर रही है। इन 7 सालों में संस्था ने लगभग 400 पौधे रोपे हैं। ऐसा ही एक आयोजन बीजारोपण टीपीके पब्लिक स्कूल गौरैया में किया गया। इस कार्यक्रम में संस्था के द्वारा स्कूल के 50 विद्यार्थियों को कुछ बीज और एक गमला दिया गया और उन्हें इन बीजों को गमले में रोपने का तरीका भी बताया। अगले 5 महीनों तक बच्चों के द्वारा इस गमले में नवांकुरित पौधे का पालन पोषण किया जाएगा और उसकी देखरेख की जाएगी। And then आप वो पानी सोच फ्रॉम अ स्वेडन, जैसे आप अभी वीजा लगा रहे हैं, क्या आप रोज उसमें बहुत सारा पानी डाल रही है? ये बारिश का मौसम हो रही है, ह्यूमिडिटी हो रही है, वो अपना फौला आपने कैसे लगाया, कितने अंदर तक लगाया, ये सोच के नीरे दिया थोड़ा थोड़ा मांगे। श्री कृष्ण सेना गौली समाज के तत्वावधान में आज ग्राम पंचायत सिरगोरा शिवपुरी में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में सभी ग्राम और आसपास के लोगों ने बढ़ चढ़कर निशुल्क इलाज और जांच करवाई। इस शिविर में मुख्य रूप से विवांता क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल से डॉक्टर दीपक बंदेवार, स्टाफ और श्री कृष्ण सेना प्रमुख शैलेश यदुवंशी समेत ग्राम सम्मानित सदस्य मौजूद रहे। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम एमडी छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, टीबी, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, बीपी, शुगर, अस्थमा, स्लिप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यता देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, टीबी, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे पूनम चैम्बर। आयुष्मान कार्ड योजना के अंतर्गत शहर के परासिया रोड स्थित आरोग्य हॉस्पिटल में डेंगू से ग्रस्त मरीज को 31 जुलाई को एडमिट किया गया था। उस वक्त मरीज की हालत नाजुक स्थिति में थी। अस्पताल प्रबंधन द्वारा युवक को केंद्र सरकार की योजना आयुष्मान कार्ड के तहत निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराया गया, जिससे आज युवक के स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से मरीज को छुट्टी दे दी गई। मरीज और उसकी मां ने देश के प्रधानमंत्री मोदी का एवं आरोग्य हॉस्पिटल के डॉक्टर्स स्टाफ का धन्यवाद प्रेषित किया। मेरे को चक्कर आता था सर और 103 डिग्री बुखार था सर, मेरे को डेंगू बताया थे सर, तो सर मैं यहाँ पर अच्छा हुआ सर, 14 दिन में अच्छा हुआ सर, मैं सर मेरे को आते नहीं चलते थे, खाना नहीं खा रहा था सर, उल्टी होते थे सर, मेरे को सर बड़े सर ने अच्छे किए सर, मेरे को आपसे सर बेहोशी की हालत में डेंगू शॉक हो गया था सर, और आरोग्य हॉस्पिटल में मेरे बेटे को दवाइयाँ और खाने पीने की पूरी व्यवस्था हुई, कोई पैसा नहीं लगा सर। आयुष्मान कार्ड से मेरे को बहुत मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ यहाँ मोदी जी को और डॉक्टरों को, यहाँ का हॉस्पिटल को।